शहर की दुर्दशा और जर्जर सड़कों पर हुए गड्ढों से आक्रोशित भाजयुमो ने खुद ही गड्ढा पाटने का अभियान शुरू किया। वहीं भाजयुमो अध्यक्ष ने शहर विधायक पर आरोप लगाते हुए दिखावा छोड़ हकीकत पर ध्यान देने का आह्वान किया। शहर में इन दिनों सड़कों का हाल बुरा है, चाहे मुख्य सड़क हो या अंदरूनी मार्ग, जहाँ सिर्फ और सिर्फ गड्ढा ही नजर आ रहा है, जिसे आक्रोशित भाजयुमो के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर हुए गड्ढों पर शहर विधायक अरुण वोरा और नगर निगम को आईना दिखाते हुए खुद ही गड्ढा पाटने का अभियान शुरू किया। इसी कड़ी में दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग पर पुल साहेपारा चौक पर हुए बड़े से गड्ढे से पत्थर निकाल मिट्टी डाल उस गड्ढे को पाटा गया। साथ ही उन्होंने शहर विधायक और नगर निगम पर आक्रोश जताते हुए कहा कि आपकी अनदेखी से किसी के परिवार के साथ कोई अनहोनी हो सकती है, कम से कम फोटो खिंचवाना छोड़ धरातल पर कुछ काम ही कर दो। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज ये जो गड्ढा दिख रहा है पोसाईपारा में, जिसे बड़ा बुलडोजर रखा था यहाँ, उसको हम युवा मोर्चा हटाए हैं और वहाँ रेत और सीमेंट से डाल के उस जगह को हम लोग पाटे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था, किसी के परिवार के चिराग छीन सकता था, है ना। इसलिए युवा मोर्चा खुद होके यहाँ काम किए, क्योंकि निगम प्रशासन को कोई मतलब नहीं किसी जान के क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो कितना गड्ढा है। हम लोग कुछ दिन पहले ही निगम का घेराव किए थे यही सड़क के मुद्दे के लेकर, और बाकरीवाल जी ने बोला था ये हो जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन देखिए कितना निंदनीय है ये घटना। सिर्फ पैसा इन लोग ढकार रहे हैं, पैसे का यूज नहीं कर रहे हैं, और सभी सड़क का यही हाल है, गड्ढा पड़े हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसको लेकर हम लोग ये आंदोलन, और कलेक्टर महोदय ने कुछ दिन पहले फटकार लगाई थी कमिश्नर को। ऐसे भी और बहुत जगह गड्ढे, उसके लेकर हम खुद ही निकलेंगे, अब युवा मोर्चा खुद ही पाटेंगे, क्योंकि निगम का तो भगवान भरोसे हैं, कोई पैसा ही नहीं ये कर है उन लोग के पास, कहाँ ही करेंगे, है ना। तो हम खुद ही पाटेंगे अब सब गड्ढे को, युवा मोर्चा ये प्रण लेके निकल लेगी अब मतलब वार्डों में। तो आप देख ही रहे हो मीडिया के माध्यम से जानकारी है ही, शहर में पूरा अस्त व्यस्त फैला हुआ है गड्ढे, तो फिर तो आम बात हो गया, सड़क तो है ही नहीं, शहर में हर तरफ गड्ढा ही गड्ढा है। विधायक मस्त हैं फोटोबाजी करने में, महापौर जी मस्त हैं अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं, बोल बम ये बम वो बम कर रहे हैं, शहर के ऊपर कोई ध्यान है नहीं। जगह जगह पानी भरा हुआ है, शहर का हृदय स्थल है इंदिरा मार्केट, जबकि वो खुद एक व्यापारी पृष्ठभूमि से आते हैं, उसके बाद भी उनको ये सब ख्याल नहीं है, तो बहुत ही घोर निंदनीय है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसा ना हो भगवान से प्रार्थना है। और अभी तक के भारतीय जनता पार्टी तो शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन की है, अगर एक गड्ढे का मरम्मत नहीं कराया गया, शहर में इस प्रकार से स्थिति और रही, तो उग्र प्रदर्शन युवा मोर्चा द्वारा किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।